आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने की खुशी में आज अम्बाला में रोड शो निकालकर खुशी जाहिर की। आपकी विजय संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी के कार्यालय से शुरू होकर अम्बाला छावनी के विभिन्न बाजारों से होकर अम्बाला शहर की तरफ रवाना हुई। विजय संकल्प यात्रा में आपकी उत्तर हरियाणा संयोजक चित्रा सरवारा भी मौजूद रही। चित्रा सरवारा का कहना है कि हर जिले के अंदर सभी कार्यकर्ता विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पूर्ण हुए चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। हम खुशी से कह सकते हैं कि देश में मात्र 3 राष्ट्रीय पार्टी हैं। आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके 2 प्रदेशों में अपनी सरकार बनाकर 2000 से ऊपर सरपंच पंच बनाकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज विजय संकल्प यात्रा निकालकर लोगों के बीच जाकर देश की जनता और शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त करते हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि जो हमें भरोसा दिलाया है उसे हम टूटने नहीं देंगे। आज यात्रा हर जिले में निकाली जा रही है। हर विधानसभा के अंदर रूट किया जाएगा। ये रोड शो कैंट से होकर सिटी में मुलाना से होकर नारायणगढ़ में समाप्ति होगी। बहुत खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए। आज आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद देश में आज एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है और आज की जो हमारी विजय संकल्प यात्रा है, आज इस यात्रा के माध्यम से हम सभी जनता का, सभी देशवासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज आम आदमी पार्टी देश की यंगेस्ट पार्टी है जो एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया है। 10 साल के अंदर ये दर्जा प्राप्त करना, 2 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है जो आम आदमी पार्टी ने अचीव किया है। हाल ही में साथ ही में MCD के चुनाव के अंदर जो 15 साल से भाजपा का गढ़ था, आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को पलट फेंका है और बाकी जो गुजरात के चुनाव रहे वहाँ पे 13% का वोट शेयर प्राप्त करके लोगों का बहुत आशीर्वाद और जो है हमें समर्थन वहाँ पे रहा। आज हम लोगों से ये कहना चाहेंगे, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आपने जो ये विश्वास हम में जताया है, ये हम में एक एहसास पैदा करता है हमारे दायित्व का। देश के अंदर कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और इंसानियत में जो है एक स्थापित राजनीति का हम आपसे वादा करते हैं और इसी नीति से बनी हुई नीतियों पर हम अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश पर चलते रहेंगे और आशा करते हैं आने वाले दिनों में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि 3 चुनाव हैं और 3 पार्टियां मैदान हैं। उनमें से देश की एक सबसे पुरानी पार्टी 137 साल पुरानी कांग्रेस, दूसरी पार्टी जिसका दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है, जिसने कहा है कि 1,80,00,000 हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, 18 करोड़ के करीब हमारे मेंबर्स हैं, और तीसरी तरफ आपके पास देश की यंगेस्ट पार्टी जो अपना संगठन अभी बना रही है लेकिन जनता में समर्थन अपनी नीतियों पर अपनी परफॉर्मेंस पा रही है। अगर 3 चुनाव हुए दिल्ली, हिमाचल और गुजरात, तो उसमें से 1 भाजपा ने लिया, 1 कांग्रेस ने और 1 आम आदमी पार्टी ने लिया। जहां इस 3 चुनाव के बीच में भाजपा अपना 15 साल का गढ़ खोकर निकली, कांग्रेस पार्टी 2 स्टेट्स के अंदर जो कि दिल्ली और गुजरात के अंदर अपना बहुत बड़ा वोटर बेस खोकर निकली, वहां पर आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली जीती MCD, वहीं पर एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके जीत कर निकली। तो हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे बढ़ते कदम, बढ़ते भविष्य और बढ़ते जन समर्थन का ही प्रतीक है।